एज वी आर गोइंग टू द मोस्ट रिपीटेड एम सी क्यू सीरीज ऑफ फार्मा 6 सेमेस्टर, जितने भी मेरे पास एम सी क्यूज आते हैं जहाँ से भी आते हैं हम जब आपके साथ शेयर करते हैं। लास्ट टाइम मैंने जिना के और बकई के, साउथ सिटी के और हैदराबाद से हेमस के और एक दो बिलावल मेडिकल कॉलेज के और PMC के एम सी क्यूज आपके साथ शेयर किए थे, वो भी वो जो मोस्ट रिपीटेड थे। तो जब मैंने ये सारे एम सी क्यूज देखे तो मुझे अंदाज़ा हुआ, और जब मैंने नेट से निकाले जो मेरे पास बांग्लादेश से ही मिला हुआ था, कि इंटरनेशनली जो आपके क्यू बैंक्स हैं वो 3-4 हज़ार हर टॉपिक के जो है एम सी क्यूज बन गए हैं, उससे ज़्यादा बन भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने एक एक, एक लाइन उठाकर एम सी क्यू आपका बना दिया है। अब वो एम सी क्यू सीरीज़ पूरी दुनिया में वहीं से वो एम क्यू बैंक लिया जाता है, शफल किया जाता है और पेपर बनता है हर साल नया। शफलिंग की वजह से जो उनकी तरतीब है वो चेंज हो जाती है, बाकी क्यू बैंक जो है वो सेम ही रहता है। तो मैं इस दफ़ा जो है मेरे पास अबू जफर के जो है वो एम सी क्यूज़ हैं, लास्ट टाइम जितने भी मेरे पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के आए उनमें से मैंने सबसे रिपीटेड जितने भी थे, यानी अगर मेरे पास 15 मेरे पास ईमेल्स आए हैं फॉर एग्जाम्पल आते तो बहुत हैं, तो मैं उन सबके एम सी क्यूज़ उठाऊँगी और हर एक पास पेपर में जो 10 या 15 एम सी क्यूज़ बार बार रिपीट हुए हैं मैं उनको उठाकर नोट करती रहूँगी और फिर एक फाइल बनाकर जो है वो मोस्ट रिपीटेड की सीरीज़ जो है वो बनती है। इस तरह इस बार क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सिर्फ 8-10 ही अबू जफर के जो है वो एम सी क्यूज बताए थे और वो एग्जैक्टली रेजोनेट कर गए थे, इसलिए मैंने इस दफ़ा ये जो फाइल्स हैं इनको इग्नोर नहीं किया और सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो वो लोग जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और जो अभी रोटेशंस कर रहे हैं उनको ये एम सी क्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और उनके लिए बहुत काम के भी हैं, और जिनके सिर्फ पेपर हैं वो देख रहे हैं तो काइंडली कान खोल कर सुने और ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो फिर आपको जो है वो कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं। अगर एक पेशेंट को जो है वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो गया तो उसको बेस्ट ट्रीटमेंट जो है हम देंगे एजिथ्रोमाइसिन और डिऑक्सीसाइक्लिन है। ओके, दोनों में बेस्ट एक्सपीरियंस है बता रही हूँ रोटेशंस के बाद, कि आपके पास डिऑक्सीसाइक्लिन जो है वो बेस्ट रहेगा, मतलब इन 4 में से बेस्ट जो है वो एजिथ्रोमाइसिन और डिऑक्सीसाइक्लिन है, इन दोनों में से बेस्ट जो है वो डिऑक्सीसाइक्लिन है। ओके, अगर कॉलेरा हो जाए विद टेट्रासाइक्लिन तो इसमें कौन सी जो है वो डिजीज अफेक्टेड सॉरी अगर कॉलरा डिजीज़ हो जाए तो जो कि मतलब बहुत कॉमन है हर जगह पानी की वजह से, तो कौन सा टेट्रासाइक्लिन जो है इफेक्टिव रहेगा, तो डिऑक्सीसाइक्लिन जो है वो इफेक्टिव रहता है बहुत ज़्यादा। द सूटेबल ड्रग इन ट्रेवलर्स डायरिया इज सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, और इसकी जगह अगर आपके पास डायरिया की जगह यहाँ पर टाइफाइड लिखा होता तो फिर हम सेफिक्सिम बोलते हैं। ओके, नोविडिएट इज द ब्रांड नेम ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, पूरी दुनिया में इसी नाम से सिप्रोफ्लॉक्सेसिन सेल होती है, यानी अगर आप ये एम सी क्यू देकर किसी भी स्टोर से इस वक्त जाकर कहीं से भी दुनिया में सिप्रोफ्लॉक्सेसिन खरीदना चाहेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। द डिसकलरेशन ऑफ टीथ इज अकर ड्यू द यूज़ ऑफ टेट्रासाइक्लिन, जाहिर सी बात है किसी को कॉलरा हुआ है या किसी को ऐसी बीमारी है पायलिया वगैरह दांतों की या किस चीज़ की, और उसने बहुत ज़्यादा डिऑक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर लिए हैं, तो फिर उसकी जो टीथ का कलर है वो ज़्यादा येलोइश हो जाता है या टार्टर जम जाते हैं या हल्के से ग्रीनिश हो जाते हैं दांत, तो वो जो डिस्कलरेशन है वो टेट्रासाइक्लिन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आती है। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्रे बेबी सिंड्रोम इज़ अकर ड्यू टू द हाई डोज ऑफ क्लोरामफेनिकोल, इस जो है वो हाई डोजेज की वजह से इस मेडिसिन की या इस फॉर्मूला की जो बेबी का ग्रे बेबी सिंड्रोम जो हो जाता है। द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज लिवर टॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी, तो बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। बी है आपके पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड सी है आपके पास ओटोटॉक्सिसिटी। सेकेंड लाइन ड्रग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आर मोर इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक, तो जो सेकेंड लाइन ड्रग हैं ट्यूबरक्लोसिस के वो लेस इफेक्टिव होते हैं और ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं, सेकेंड लाइन जो है वो लेस इफेक्टिव होते हैं, असरात कम होते हैं, नुकसान ज़्यादा होता है। द फर्स्ट ऑप्शन फॉर ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट इज़ विटामिन B6 एंड पाइरोक्सिन एंड ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था लेस इफेक्टिव मोर टॉक्सिक की, उसके ऑप्शन से द फर्स्ट ऑप्शन फॉर टीबी ट्रीटमेंट वाला, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी अकर ड्यू टू द विटामिन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी किस वजह से होती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से, और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से और पाइरोक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से,
इन दोनों की रेफरेंस की वजह से होती है। यानी सिर्फ विटामिन B6 भी लिखा हुआ होगा तो उसको हम राइट आंसर टिक नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि इसकी जो स्लाइड्स मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। विच ड्रग कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी? आइसोनियाज़िड इज़ द ड्रग विच कैन बी यूज कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके, चिल्ड्रन यंगर देन 8 ईयर्स ऑफ एज शुड नॉट रिसीव टेट्रासाइक्लिंस बिकॉज दीज एज एजेंट डिपॉजिट इन टिश्यू अंडरगोइंग कैल्सिफिकेशन। क्योंकि देखें, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, वैसे करना बनता नहीं है, कि टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं क्योंकि वो आपके साथ आपके कॉलरा में काम कर रहे होते हैं, कॉलरा में यानी टेटनस ऑक्साइड जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया होता है पानी की वजह से, उसका इलाज कर रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि आपके जो टिश्यूज़ में जिसमें ग्रोथ हो रही है, कैल्सिफिकेशन हो रही है यानी डिपॉजिशन हो रहा है, अभी बोन्स के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो रही है, अभी कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, तो ये क्या करता है कि उसके साथ खुद भी जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से उस टाइम पर जो बोन का कलर होता है वो उसके शेड्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर कोई बंदा बच्चा जो है वो 8-9 साल का है और उसकी हमें पता भी है कि इस एज में कैल्सिफिकेशन हो रही होती है, तो अगर हम यंगर एज में टेट्रासाइक्लिन्स देना शुरू कर देंगे तो जो बच्चे के जो दांतों का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और वो थोड़ा सा फिर क्या कहना चाहिए कि फिर वो मुआशरे में आने जाने से भी थोड़ा सा घबराएगा। ठीक है, तो क्योंकि डिपॉजिट हो जाता है कैल्सिफिकेशन के दौरान टिश्यूज़ के अंदर आपका टेट्रासाइक्लिन, इसलिए यंगर एज में जो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। ओके, द नेम ऑफ मैक्रोलाइड विच इनहिबिट द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट ऑफ ड्रग इज एथ्रोमाइसिन। ओके, वेन फ्लोरोक्विनोलोन्स टेक्स विद एंटासिड्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स, वॉट विल हैपन विद फ्लोरोक्विनोलोन्स? तो इट रिड्यूसेज इट्स एब्जॉर्प्शन। अगर आप फ्लोरोक्विनोलोन्स को एंटासिड्स के साथ लेंगे या डाइटरी सप्लीमेंट्स के साथ लेंगे तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी, तो वो डाइटरी सप्लीमेंट्स के जो मतलब अगर जो डाइटरी सप्लीमेंट्स और एंटासिड के साथ आप ले रहे हो तो इसकी वजह से जो आपके पास फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन कम होना यानी फिर रिजल्ट्स में भी कमी आना शुरू हो जाती है। ओके, विच पेशेंट हैव चांसेस ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया व्हेन फ्यूरेंटॉइन इज यूज्ड? ओके, इस ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा डाउट है। एक्यूट रिनल फेलियर पेशेंट्स और G6PD, जस्ट अ मिनट। ओके, G6PD डेफिशिएंसी पेशेंट इज़ द राइट आंसर। ओके, पायराजिनामाइड इज़ यूज्ड अप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस फॉर 2 मंथ्स। पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इज़ सेकेंड लाइन TB ड्रग। द ऑर्गेनिज्म नीड होस्ट सेल टू रिप्लिकेट इज़ वायरस। ओके, एंटीवायरल ड्रग इनहिबिट द वायरल रिप्लिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट हर्पीज वायरस? ए साइक्लोवियर इज अ ड्रग दैट इनहिबिट्स द हर्पीज वायरस। विच ड्रग सेलेक्टिवली इनहिबिट वायरल DNA सेंथेसिस? वही सेम क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से पूछा गया है कि भाई हर्पीज वायरस को कौन सा ड्रग इनहिबिट करता है, भाई एक्लोवियर। अब वो पूछ रहा है कि वायरल DNA सेंथेसिस को कौन रोकता है, वही घुमा पे आके पूछा, तो ये है एक्लोवियर। ओके, पेशेंट ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड मेल हैविंग फीवर एंड फ्लू, वॉट इज़ द ट्रीटमेंट? इमीडिएट स्टार्ट एंटीबायोटिक। एक 25 साल के पेशेंट है, उसको फीवर और फ्लू शुरू हो गया तो एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दें उसको, ताकि उसकी इम्यूनिटी जल्दी से खुद रिएक्ट नहीं करे, मेडिसिन से काम हो जाए। खुद रिएक्ट करने में जो मैं कहती हूँ, जो हर डॉक्टर आपको बोलेगा कि बुखार जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, जिस तरह जो लोहा होता है उसको
साफ़ करने के लिए उसको भट्टी में पिघलाया जाता है, फिर भट्टी में गर्म होने के बाद उसके ऊपर से सारा कचरा एक हथौड़ा मारने से उतर जाता है, फिर वो बिल्कुल प्योर हो जाता है। इसी तरीके से जब आपकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी आ जाती है तो आपकी बॉडी उसके रिएक्शन में क्या करती है कि खुद पे हीट प्रोड्यूस करती है ताकि जितनी भी वो जो एंटीबॉडीज़ आई हैं वो सारी की सारी मर जाएँ, और उसके बाद आपको बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हमें 2 से 3 दिन तक बुखार को और ज़ुकाम को बॉडी पर रहने देना चाहिए। मैं खुद भी रहने देती हूँ, अपने फैमिली में सबको कहती हूँ कि 2-3 दिन रहने दो, इससे आपकी उम्र बढ़ती है और बॉडी में अगर उन्हीं मसाइल की एंटीबॉडीज़ पहले से बन जाएंगी तो जैसे ही कोई इस तरीके की चीज़ें मैं दोबारा अटैक करेगी तो उसकी, क्योंकि पहले से फाइटर्स बैठे हुए होंगे तो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकेगी और वो फिर जल्दी जल्दी चली जाएगी, यानी जल्दी से फिर जल्दी से इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम फ़ौरन से एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम ऑफिस की छुट्टी नहीं ले सकते, यूनिवर्सिटी की छुट्टी नहीं ले सकते, शादियों में जाने के लिए ले सकते हैं, पार्टीज पिकनिक्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन खुद को फीवर में हेल्दी रखने के लिए नहीं ले सकते। तो हम फ़ौरन से एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं और बॉडी ऑन द स्पॉट ठंडी हो जाती है। तो जो काम बॉडी का था फिर वो हम मेडिसिन से ले लेते हैं, तो बॉडी की जो कैपेसिटी है, लड़ने की जो पावर है, इम्यूनिटी है, वो कम हो जाती है। यानी इन शॉर्ट, बुखार, फ्लू, ये सब चीज़ें अच्छी हैं नेचर की तरफ से आपके लिए, लेकिन बस हम बहुत फास्ट हैं तो हम इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। यूज़ ऑफ एंटीपायरेटिक फर्स्ट एंड इफ़ इन्फेक्शन प्रोसेस आफ्टर 4 to 5 days देन गिव फर्दर ट्रीटमेंट। पहले एंटीपायरेटिक देना है, उसके बाद अगर इन्फेक्शन फिर भी 4-5 दिन तक रहे उसके बाद जो है वो आपको एड्स और एगिपिटी मॉस्किटो, ये एक मेडिसिन है हमारे पास, एगिपिटी बोलते हैं। और कौन सी वीडियो देखी थी जहाँ पे वो IGPT बोल रहे थे, सो प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस हो तो परेशान नहीं होइएगा, आपके यहाँ जो बोला जाता है वो बोलें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हमें सिर्फ प्रिस्क्राइब करना है, बाकी काम स्टोर वाले का है। जोक्स अपार्ट, मैं वैसे कह रही थी कि प्रोनाउंसिएशन पे परेशान नहीं होइएगा कि कहीं पर जो है वो CH को चे पढ़ा जाता है और कहीं पे के पढ़ा जाता है और कहीं पे शीन का साउंड यानी शे पढ़ा जाता है, तो दैट्स नॉट द इशू। इस चीज़ पर फोकस करें कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट? इंटरफेरॉन इज़ नॉट एन एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट। ओके, सवाल है, एमेंटेडाइन इज़ यूज फॉर रेस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शन। एक 25-year-old मेल हैविंग फीवर एंड फ्लू, वॉट इज़ द ट्रीटमेंट इमीडिएटली? स्टार एंटीबायोटिक, पीछे चल गया। ओके, विच ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद एक्सट्रीम कॉशन ऑफ अस्थमा COPD पेशेंट बिकॉज ऑफ पॉसिबल ब्रोंकोस्पैज्म? इट्स ज़नामिविर। ओके, इंटरफेरॉन में ऑल्सो पोटेंशिएट माइलोसप्रेसन। ओके जी, डाइडोनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, परफॉर्म सम एडवर्स इफेक्ट्स लाइक पेनक्रियाटाइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके, विच प्लाज्मोडियम हैज़ ग्रेटेस्ट मॉर्बिडिटी? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ओके, बैक्टीरिया। ओके, सो द क्वेश्चन इज, मलेरिया इज डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट? लेमिनल एजेंट फॉर एमीबियासिस इज आइडोक्विनॉल। द एमीबियासिस इज ऑल्सो कॉल्ड एमीबिक। डिसेंट्री इज एन इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कॉज्ड बाय इटोमेबिया हिस्टोलोस्टोलिका। ठीक है, विच एंटी फंगल एजेंट डिस्टर्ब मिटोटिक स्पाइनल एंड स्पाइनल एंड इनहिबिट फंगल इनहिबिट ऑफ फंगल इनपिटोसिस? इट्स ग्राइजियोफ्लुविन। ओके, ग्राइजियोफ्लुविन। विच एंटी फंगल बाइंड्स टू अ एगोस्टिरॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेंसिटिव फंगल सेल्स? देयर इट फॉर्म्स पोर्स चैनल्स विच डिस्टर्ब मेम्ब्रेन फंक्शन अलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू लीक फ्रॉम द सेल रिजल्टिंग इन सेल डेथ। ओके, एम्फोट्रेसिन बी। अ पेशेंट ट्रेवल फ्रॉम अफ्रीका कंप्लेनिंग एन एक्यूट रैपिडली फुलमिनेटिंग डिजीज दैट इज करेक्टराइज बाय परसिस्टेंट हाई फीवर
ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन एंड मैसिव एरिथ्रोसाइटोसिस, व्हाट विल बी द डायग्नोस्टिक टेस्ट? मलेरियल पैरासाइट टेस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक होगा. पेशेंट जो है वो अफ्रीका से ट्रैवल करके आया है और उसको सडनली जो है वो हाई फीवर हो गया और ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन है और मैसिव एरिथ्रोसाइटोसिस है, तो फिर उसको जो है वो मलेरियल पैरासाइट टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए. बाकी MCQs नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं क्योंकि स्लाइड्स बहुत सारी हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, आपसे देखी भी नहीं जाएंगी और फिर वो अपलोड भी नहीं होंगे. दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. फॉर PDFs एंड अदर क्वेरीज आप मुझे वो मेरे इंस्टा और एफ बी पर फॉलो कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.